नमस्कार दोस्तों, कंपटीशन कम्युनिटी के इस विशेष प्रोग्राम फास्ट टेक रिवीजन सेशन में मैं हेमंत प्रधान एनवायरनमेंट के तीसरे एवं अंतिम सेशन के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह पर जो आपके एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। ओके, सो लेट वी स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर वन। सी, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शंस आर प्रोपेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। बहुत आसान प्रश्न है, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ग्रीन हाउस गैस पूछा जाए तो याद रखिएगा कि ग्रीन हाउस गैसों की जो लिस्ट बनी थी वो एक प्रारंभिक लिस्ट के बाद जो है उसमें कुछ नए चीज़ें ऐड भी होती गई, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो संशोधित मॉडल है वर्ष 2013 में आया था, उसमें नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड भी जुड़ा था, ठीक है, NF3। तो दिए गए प्रश्न में आपका सही उत्तर देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन भी ग्रीन हाउस गैस है, प्रोपेन इसका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका सही आंसर होगा ए। ओके, और ग्रीन हाउस गैस की लिस्ट क्या है देखिए, आपको प्रोपेन को एलिमिनेट करने के बाद बची हुए तीन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन। इसके बाद अगर आप देखेंगे जलवाष्प, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, NF3, ठीक है, ये तीन और ऐड कर लीजिए उसमें, तो दीज आर द ग्रीन हाउस गैसें। और एक्चुअल में देखा जाए तो तीन, ये चार हो गए और पहले के तीन हो गए, तो कितने हो गए, टोटल सेवन हो गए। इसके अलावा फ्लोरिनेटेड गैस, जो फ्लोरिन की गैसेस हैं उनको भी हम ग्रीन हाउस गैसों में शामिल कर दिया जाता है, जैसे पर फ्लोरोकार्बन, ठीक है, आदि। तो अब देखिए यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस तो आपने जान लिया, ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट क्या है आपको पता होगा, इससे सनलाइट क्या होती है, सनलाइट सीधा पड़ती है अर्थ पे, पृथ्वी पे पड़ती है, और पृथ्वी पे पड़ने के बाद क्या होती हैं, ये इस प्रकार परावर्तित हो जाती हैं। और होता क्या है कि ये एरिया क्या होता है, गर्म हो जाता है। क्यों गर्म होता है, क्योंकि सनलाइट में क्या है जो होता है, इंफ्रारेड होता है, यानी कि अवरक्त प्रकाश होती है, और वह जैसे पृथ्वी की सतह पर पड़ती है तो कुछ भाग तो अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, लेकिन वह क्या होता है, यहाँ पे वो वायुमंडल से बाहर नहीं निकल पाती, और ऐसा प्रतीत होता है कि पृथ्वी अपने ऊपर एक कंबल ओढ़े हुई है, यानी कि एक गर्म चादर ओढ़े हुई है, ऐसा हमको महसूस होता है, और वास्तव में ये होता भी है, जिसके कारण पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बना होता है। अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती तो पृथ्वी का टेम्परेचर माइनस में होता, ठीक है, जहाँ पर जीवन का सर्वाइवल काफ़ी कठिन होता। सो कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैस मीथेन के स्रोत हैं। पॉइंट दिया हुआ है धान के खेत, कोयले का खनन, पालतू पशु और आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड, ठीक है। जो ग्रीन हाउस गैस हैं, GHG से कहते हैं, उसका जो है सोर्स कौन है, ये पूछा गया है। देखिए मीथेन एक इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, और आपको बता दूं ग्रीन हाउस गैस जो है कुछ मात्रा में अगर हो तो आपको पृथ्वी के लिए काफ़ी वो अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है, जो काफ़ी नुकसानदायक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, अब A1 and 4, 2, 3, 1, 2, 3 और उपरोक्त सभी, क्या होगा इसका सही आंसर? यस, इसका सही आंसर है सभी के सभी मीथेन के सोर्सेस हैं। मैं आपको बता दूँ धान के खेतों में भी मीथेन गैस का एमिशन होता है, क्योंकि साल भर वहाँ पानी भरा होता है, और वह जो है पानी भरा होने के कारण जो है थोड़ा सा दलदली हो जाती है, जिसके कारण वह वहाँ पे मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है, एमिशन होता है। कोयले के खनन के दौरान भी अक्सर हमने सुना होगा दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनमें से एक कारण ये मीथेन गैस होता है, क्योंकि उत्खनन के दौरान ही एक क्या है, ऑटोमेटिकली क्या है, मीथेन गैस वहाँ एक साइड प्रोडक्ट के रूप में बन जाता है। और पालतू पशु यानी कि जो कैटल्स होते हैं, जो ऐसे जो च्यूइंग करते हैं, यानी कि जुगाली जो करते हैं, ऐसे सभी जानवर क्या होते हैं, अपने फीकल मैटर यानी मल मूत्र के साथ क्या है, आपका मीथेन गैस का सिक्रेशन करते हैं, एमिशन करते हैं, ये भी है। वेटलैंड एरिया, दलदली भूमि वाला जो भी क्षेत्र, अगर आस पास अभी आप देखे होंगे जो थोड़े से दलदली वाले क्षेत्र, वहाँ पर बदबू आती है, वो बदबू का कारण क्या है, मीथेन गैस है। क्लियर हो गया, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत स्थित है, ओजोन लेयर कहाँ पे लोकेटेड है, ये पूछा गया है। ए क्षोभ मंडल, यानी कि क्या है ये,
ये आपका क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है और आयन मंडल है, ठीक है। तो क्या है, ट्रोपोस्फियर, स्टेटोस्फियर, मीजोस्फियर और आयनोस्फियर, क्या है इसका सही आंसर? बहुत आसान प्रश्न है, देखिए इसका सही आंसर है स्टेटोस्फियर। आपको पता है जो अपना वायुमंडल होता है या एटमॉस्फेयर होता है उसका क्या है, उसका सही उसके जो लेयर्स होते हैं क्या क्या हैं, सबसे नीचे क्या है आपका ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल, उसके ऊपर क्या है स्टेटोस्फियर यानी समताप मंडल, उसके ऊपर क्या है मध्य मंडल, ठीक है यानी मीजोस्फियर, उसके ऊपर क्या है जो है ट्रोपोस्फियर यानी कि ताप मंडल, और उसके ऊपर क्या है एग्जोस्फियर यानी कि वायुमंडल। तो इसमें देखेंगे जैसे कि शुरू जो 20 किलोमीटर के आसपास वाला एरिया, जैसे कि हम एक औसत रेंज लेंगे तो 18 से 20 किलोमीटर के आसपास वाला क्षेत्र क्या होगा पृथ्वी से ऊपर, वह क्या है ट्रोपोस्फियर यानी कि आपका क्षोभ मंडल होगा। उसके बाद जो है आप देखते हैं जस्ट 20 से लेकर 50 किलोमीटर वाला क्षेत्र क्या होता है, वह होता है आपका स्टेटोस्फियर यानी समताप मंडल, ठीक है। और आपको बता दूं दोस्तों, जो ओजोन होता है वो दो टाइप का होता है, एक गुड ओजोन एक बैड ओजोन। गुड ओजोन कौन है, जो ओजोन लेयर फॉर्म करता है यानी ओजोन परत का जो निर्माण करता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेस या पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है, वो गुड ओजोन कहलाएगा। वो मेजरली अगर आप देखा जाए तो 100 में मेजरली 90% क्या है वो गुड ओजोन होते हैं, और 10% जो पार्ट क्या होता है वह होता है आपका नीचे में भी यानी कि क्षोभ मंडल में भी, ट्रोपोस्फियर में ही, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ओजोन परत पूछा है, ओजोन गैस नहीं पूछा है। ओजोन गैस अगर पूछा जाता तो हो सकता था कि आप क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर और स्टेटोस्फियर दोनों में कंफ्यूज होते, क्योंकि दोनों में क्षोभ मंडल में 10% और 90% आपका स्टेटोस्फियर में मिलता है। यहाँ पे जो क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में जो मिलता है गैस ओजोन, वह ग्रीन हाउस गैस के टाइप पे काम करता है, इट वर्क्स लाइक अ ग्रीन हाउस गैस। बट अगर स्टेटोस्फियर में जाता है तो ये गुड ओजोन का काम करता है और अल्ट्रावायलेट रेस को फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका देखते हैं स्टेटोस्फियर समताप मंडल इसका सही आंसर है। दोस्तों बता दो, इसकी उपस्थिति कुछ कुछ स्रोतों में अलग अलग दी होती है, जैसे कुछ में 15 से 30 किलोमीटर, कुछ में क्या होता है 16 से 32 35 किलोमीटर आसपास लिखा होता है। तो मोटा मोटा ये रेंज माने, ये ओजोन लेयर का है, ठीक है। और एक्चुअल समताप मंडल तो वो 50 किलोमीटर के आसपास रहता है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न से कौन जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल कौन है पूछा गया है इसमें, ए प्लास्टिक, पारा या मरकरी, पॉलीथीन और रबर, ठीक है। आपको पता होगा, आपने अगर केमिस्ट्री भी पढ़ा होगा तो देयर आर टू टाइप ऑफ रबर, एक जो होता है नेचुरल होता है और एक जो होता है आपका आर्टिफिशियल होता है। प्राकृतिक रबर किससे मिलता है, हीविया नाम की एक ट्री से हम निकालते हैं, तो रबर का ट्री भी होता है, मतलब वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हम बनाते भी हैं। और आपको पता है कि जो दूसरा रबर का फॉर्म है, जो लाइक आप देखते हैं टायर वगैरह जो बनते हैं या दूसरे रबर के प्रोडक्ट बनते हैं, वो आर्टिफिशियल रबर से बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर प्लास्टिक तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, पारा भी नहीं है, वो काफ़ी टॉक्सिक होता है भी है वो, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन यह भी नहीं है बायोडिग्रेडेबल। तो क्या है आंसर, रबर इसका आंसर सही होगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन द्वितीयक प्रदूषक है, ऑप्शंस आर कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लाई एस, स्मग और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर क्या है इसे जानने से पहले आप समझ जाइए कि प्राथमिक प्रदूषक यानी प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रदूषक क्या है। देखिए कि ऐसे प्रदूषक जो प्राकृतिक या मानवीय क्रियाकलापों यानी कि जो है नेचुरल या ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू वायुमंडल में यानी एटमॉस्फेयर में प्रत्यक्ष रूप से क्या है उत्सर्जित कर दिए जाते हैं और ये उसी फॉर्म में ही क्या होते हैं प्रदूषण फैलाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ प्राइमरी पोल्यूटेंट, ऐसे प्रदूषक जो प्राकृतिक रूप से या मानव जनित क्रियाओं से सीधे वायुमंडल में निष्कासित होते हैं और उसी फॉर्म में प्रदूषण फैलाते हैं, तो ये प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। जैसे एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कणिकाएं होती हैं पर्टिकुलेट मैटर जिसको कहते हैं, ये सब क्या हैं आपके, सल्फर डाइऑक्साइड भी SO2, ये सब क्या है प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या है कि जब प्राइमरी पोल्यूटेंट की मदद से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो क्या बोलते हैं रिएक्शन होता है, यानी कि कह सकते हैं जो विद्युत चुंबकीय विकिरणों एवं वायुमंडल में उपस्थित अन्य यौगिकों या एलिमेंट से रिएक्शन करके किसी तीसरे प्रकार का
एलिमेंट बना लेते हैं वो क्या होते हैं आपके सेकेंडरी पॉल्यूटेंट होते हैं। तो उसमें से सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है, SO3 कह सकते हैं, H2SO4, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, इसके अलावा आप देख सकते हैं PAN, पराक्सी एसिटल नाइट्रेट, ये सब क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, फ्लाई एस ये भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट है जो कोल के दहन के दौरान बनता है, यानी कोल जो है जो को दहन यानी जलाते हैं तब बनता है आपका। स्मग, स्मग इक्वल टू क्या होता है, स्मग इक्वल टू होता है आपका स्मोक प्लस फॉग, ठीक है। अब स्मोक में क्या क्या होता है देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ठीक है, NO2, ठीक है, N2O, ये सब होता है। इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये क्या है आपकी, ये स्मोक में होते हैं, है ना। सो आपको ये बता दूँ, स्मोक प्लस फॉग, फॉग में मेजरली क्या होता है, जलवाष्प होता है, और ये दोनों क्या है क्रिया करके स्मग बनाते हैं। जैसे दिल्ली वाले प्रदूषित क्षेत्रों में क्या होता है, वह जो प्रदूषण का जो मुख्य कारण होता है वह स्मग होता है। यहाँ पे जो बहुत सारे धुआं होते हैं और उसको क्या है आपका फॉग, वो दोनों आपस में रिएक्शन करके स्मग बनाता है, खासकर यह विंटर सीजन में होता है। तो कई दिनों तक आपका उत्तर भारत जो है इसके कारण जो है प्रदूषित रहता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी, स्मग, कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या है, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण में जैविक सूचक का कार्य करता है, जैविक सूचक क्या मतलब, एक बायोटिक इंडिकेटर है कि कोई एरिया पलूट है या नहीं, प्रदूषित है या नहीं है। तो इसका जो ऑप्शंस क्या है, अमरबेल यानी कस्कूटा, लाइकेन, फर्न और मनी प्लांट, क्या है इसका सही आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार एग्जाम में अलग अलग स्टेट के एग्जाम में ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। क्या है इसका सही आंसर, लाइकेन, लाइकेन इसका सही आंसर है, जो एल्गी और फंजाई का म्यूटलिज्म का उदाहरण है, दोनों के सहजीविता का उदाहरण है। देखिए आपको बता दूं दोस्तों कि जो लाइकेन है वह जनरली क्या होता है, कोई भी ऐसा कोई सिटी है तो वो सिटी के आसपास नहीं मिलता, सिटी के बाहर वाले क्षेत्रों में मिलता, आउटर साइड में मिलता है, यानी कि सिटी के आसपास वाला क्षेत्रीय अपेक्षाकृत क्या होगा, प्रदूषित क्षेत्र होगा, वहाँ वायु प्रदूषण होगा, क्योंकि बहुत सारे व्हीकल वाहनों के कारण या अन्य किसी गतिविधियों के कारण वह क्षेत्र प्रदूषित होगा, और जो सिटी से बाहर वाला दूरस्थ वाला एरिया वह क्या होता है, ज़्यादा क्लीन होता है। तो इसलिए लाइकेन जो होता है किसी सिटी के पास में नहीं मिलता, समझ रहे हैं। और यहाँ पे इसे जैविक सूचक इसलिए कहते हैं कि अगर ये दूर में मिल रहा है तो वहाँ वायु प्रदूषण नहीं होता, ठीक है। अगर आप किसी सिटी में देखते हैं वहाँ लाइकेन मिल रहा है तो मान सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सिटी का क्या है, वायु प्रदूषण की जो गुणवत्ता है अपेक्षाकृत काफ़ी अच्छी मानी जाएगी, और यहाँ पे नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये समझ रहे हैं वो प्रदूषित क्षेत्र है। और लाइकेन इज़ वेरी वेरी कॉमन प्लांट, जो काफ़ी क्या होता है, कम विकसित जो एल्गी और फंजाई होता है उसका म्यूटलिज्म होता है, ठीक है। तो ये काफ़ी आसानी से सभी जगह मिल जाता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज इनमें से कौन सा प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त की हीमोग्लोबिन से घुल जाता है। ऑप्शंस आर PAN यानी पराक्सी एसिटल नाइट्रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन। आपने सुना होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह हीमोग्लोबिन के साथ मिलके क्या बनाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये सामान्यतः सरल प्रश्नों में गिना जाएगा, और ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, PAN वगैरह जो है, कार्बन डाइऑक्साइड भी घुल जाता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी तेज़ी से घुलता है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित करें, एक तरफ दिया हुआ आपके एलिमेंट, दूसरी तरफ दिया है डिसीज़, ठीक है। कैडमियम, ब्लैकफुट, आर्सेनिक, मिनीमाटा, मर्करी, ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट, इटाइटाई। आपको अपने पिछला सेशन वगैरह देखा होगा तो उसमें हमने बात किया है मिनीमाटा के बारे में। तो मिनीमाटा जो है बेसिकली होता है किसके कारण होता है, पारा या मर्करी के कारण होता है। तो मिनीमाटा डिसीज होता है, तो देखिए मैचिंग देखिए आप, पारा के किसके साथ है, C का 2 किस में है, A एंड B में है,
तो सी और डी तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट कर लीजिए। अब बचता है देखिए क्या क्या, आप देखिए पहला, आप देखिए कैडमियम, इटाई इटाई बिल्कुल सही मैचिंग है। आर्सेनिक, आर्सेनिक के कारण होता है आपका ब्लैक फुट डिसीज, तो इसका ब्लैक फुट डिसीज का ऑप्शन सही में कौन सा दिख रहा है, बी वाले में, यानी कि आर्सेनिक ब्लैक फुट। उसके बाद देखिए मरकरी हमने मैच कर ही लिया था मिनीमाटा। उसके बाद देखिए नाइट्रेट, नाइट्रेट का मैचिंग किसके साथ है आप देखेंगे तो यह है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, इस प्रकार आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या है, बी। दोस्तों ये डिसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो इसका मैचिंग आप केयरफुली देखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी विषैली गैस उत्सर्जित हुई थी। ठीक है, भोपाल गैस कांड काफ़ी ज़्यादा भारतीय इतिहास में कहना चाहिए एक विनाशकारी घटनाओं में से एक है, और आपको बता दूं ये कौन सी वर्ष, किस वर्ष में हुआ था, वर्ष 1984। ठीक है, तो कौन सी गैस निकली थी, देखिए मिथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल क्लोरोफॉर्म और मिथाइल साइनाइड, इसे मिक गैस भी कहते हैं, MIC, उसका फुल फॉर्म क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, इस प्रकार बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको बता दूं 2 और 3 दिसंबर की रात वर्ष 1984, स्थान भोपाल, वहां पे क्या है, यूनियन कार्बाइड के जो प्लांट है, जो बेसिकली एक पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक का निर्माण करती थी, उसके चेंबर में पानी चले जाने के कारण, का पानी प्लस आपका कार्बाइड के रिएक्शन के कारण क्या है, काफ़ी ज़्यादा गैस जो है उत्सर्जन चालू हो गया, और उसके कारण क्या है आप देखते हैं जो है पानी भरने लगा उनके टैंकर्स में, उनके टैंक में, और टैंक में जब पानी भर गया तो फिर हम उसे क्या किए, उसे रिलीज़ करने की कोशिश किए, बहुत सारे गैस चैम्बर छोड़ दिए गया, बट गैस चैम्बर को जैसे हम ओपन करते हैं तो वो विषैली गैस बनती है CH3NCO, CH3NCO क्या है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ये गैस बनी जिसके कारण हजारों की संख्या में, वैसे तो देखा जाए तो 4 से 5 हज़ार कहा जाता है, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग मारे गए थे, और कह सकते हैं कि उसका जो दुष्प्रभाव है उनके आने वाली पीढ़ियों में भी अभी तक दिख रहा है। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनेट याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है, नॉट करेक्टली मैच्ड, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 मई, तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, क्या सही मैच नहीं है। देखिए आपने पिछला सेशन देखा होगा तो वर्ल्ड ओजोन डे मैंने बताया था 16 सितंबर। ठीक है, तो ये तो सही मैचिंग है डी। उसके बाद देखिए आप ए से स्टार्ट करिए फिर से, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च, बिल्कुल सही मैचिंग है। पृथ्वी दिवस दोस्तों 22 मई को नहीं मनाया जाता, 22 अप्रैल को मनाया जाता है, और 22 मई तो मैं आपको बता चुका हूँ बायोडायवर्सिटी डे होता है, जैव विविधता दिवस होता है। ठीक है, तो बी इसका सही आंसर है जो करेक्टली मैच नहीं है। पृथ्वी दिवस या अर्थ डे कब होता है, 22 अप्रैल, और 22 मई क्या है, बायोडायवर्सिटी डे होता है, और तंबाकू निषेध दिवस नो टोबैको डे इट इज ऑल्सो करेक्टली मैच 31 मई को मनाया जाता है। तो इस प्रकार आंसर क्या है, बी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री क्या है, व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में एक आइलैंड है, दूसरा गंगोत्री के साउथ में गंगा नदी का सेकेंड सोर्स है, द्वितीय स्रोत है, सी अंटार्कटिका में भारतीय स्रोत केंद्र यानी कि इंडियन रिसर्च सेंटर है, और वह स्थान जहां पेरियार नदी उत्तर की तरफ बहती है। ठीक है, तो क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है अंटार्कटिका में हमारा जो रिसर्च स्टेशन है, रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। आपको बता दूं दोस्तों कि ये कुछ हमारे ऐसे 3 वहाँ पर रिसर्च सेंटर स्थापित हो चुके हैं, आइए इसे नोट कर लेते हैं। दक्षिण गंगोत्री वर्ष 1983 से 84, उसके बाद देखिए मैत्री, और उसके बाद देखिएगा आप तीसरा है भारती, मैंने कहा दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, वर्ष अगर आप नोट करना चाहें वर्ष 1983 से 84 दक्षिण गंगोत्री, वर्ष 1988 से 89 मैत्री, और भारती का है वर्ष 2012। ये तीनों ही अंटार्कटिका में हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, रिसर्च सेंटर हैं। क्लियर हो गया,
इसके बाद देखिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं हैं। क्या क्या है दिया हुआ है, देखिए बहुत सारे नाम दिए हुए हैं, वंदना शिवा, चंदी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह, डॉक्टर सलीम अली, पांडुरंग हेगड़े, अमृता देवी बिश्नोई और बाबा आमटे। इस प्रकार के लंबे प्रश्नों में हम एक एक को करेक्ट करना स्टार्ट करते हैं विदाउट ऑप्शन देखे। तो सबसे पहले देखिए, वंदना शिवा, वंदना शिवा इज़ वेरी फेमस फॉर टू वर्क फॉर अ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के लिए ये कार्य करने वाले पर्यावरणविद हैं। इनकी बुक जो है 2000 के आसपास आई थी, टुमारोस बायोडाइवर्सिटी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। तो वंदना शिवा तो है ही, चंडी प्रसाद भट्ट रेनाउंड इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट और काफ़ी बड़ी हस्ती हैं, और इस साल के करंट अफेयर्स में इनका नाम भी शुमार है क्योंकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार इनको वर्ष 2019 का दिया गया है। इसके पहले ये काफ़ी फेमस है, 2005 में इनको पद्म भूषण मिल चुका है, इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिल चुका है, अगर ईयर नोट करें 1982 में गांधी पीस प्राइज भी मिल चुकी है, ठीक है, रमन मैग्सेसे 1982 में मिल चुका है और गांधी पीस प्राइस। इस प्रकार ये क्या है, एक गांधीवादी विचारक भी हैं, समझ रहे हैं। तो चांदी प्रसाद भट्ट इस बार संभावित रूप से प्रश्न में आ सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, गौरा देवी, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा। आप देखेंगे चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा तीनों ही बड़ी हस्ती हैं और तीनों का संबंध जो है चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन से रहा था और यह काफ़ी महत्वपूर्ण आंदोलन था पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। इसमें क्या था कि हम पेड़ों को हम इस प्रकार पकड़ लेते थे जिसके कारण एक प्रतीकात्मक रूप से हम संदेश देने की कोशिश करते थे कि पेड़ को मत काटें, ठीक है। तो चिपको आंदोलन इसी से रिलेटेड है, ये तीनों ही बड़ी हस्ती हैं जो चिपको आंदोलन से संबंधित रहे। आपको बता दूँ चिपको आंदोलन कब हुआ था, वर्ष 1973 में। उसके बाद देखिए अगला, राजेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह इज ऑल्सो कॉल्ड अ वाटरमैन ऑफ इंडिया, भारत के जल पुरुष कहे जाते हैं क्योंकि वो जल संरक्षण के लिए काफ़ी कार्य करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, और इनका जो एनजीओ का नाम है तरुण भारत संघ, तरुण भारत संघ इनका एनजीओ है। और बता दो दोस्तों, ये इनको भी क्या है, वर्ष 2001 में रमन मैग्सेसे मिल चुका है और वर्ष 2015 में स्टॉकहोम पर्यावरण पुरस्कार मिल चुका है, वर्ष 2015 स्टॉकहोम पर्यावरण पुरस्कार और वर्ष 2001 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार, क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए डॉक्टर सलीम अली, बहुत बड़ी हस्ती हैं वो भी, क्या कहते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया, भारत के पक्षी विज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है, डॉक्टर सलीम अली, ठीक है। तो इनका संबंध जो है किससे है, साइलेंट वैली मूवमेंट से है। साइलेंट वैली कहाँ पे, केरला में है, और साइलेंट वैली मूवमेंट में क्या है, उन क्षेत्रों में पर्यावरण संरक्षण के लिए आंदोलन किया था और इसलिए भी पर्यावरणविद है, ये भी वर्ष 1973 में हुआ था। पांडुरंग हेगड़े, पांडुरंग हेगड़े जो है ये जिस प्रकार चिपको आंदोलन नॉर्थ में हुआ था वैसे ही साउथ में क्या है, अपिको आंदोलन हुआ था, अपिको मूवमेंट, तो वर्ष 1983 में हुआ था। तो पांडुरंग हेगड़े जो है इनसे संबंधित व्यक्ति हैं और इसलिए अपिको मूवमेंट को क्या कहा जाता है, साउथ का चिपको मूवमेंट कहा जाता है, क्लियर हो गया। अब देखते हैं अमृता देवी बिश्नोई, बिश्नोई मूवमेंट से हैं ये भी, बेसिकली राजस्थान से बिलोंग करते हैं, जो भी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित व्यक्ति हैं। बाबा आमटे नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं। इस प्रकार देखते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक 8 या 9 पॉइंट जो हैं पूरे सभी में क्या हैं, सभी में जितने भी हस्ती हैं सभी न किसी रूप से पर्यावरण के प्रति वो अपना संरक्षण अभियान चलाए हैं। इस प्रकार ऊपर से नीचे अगर देखते हैं तो सभी के सभी क्या है, इसमें क्या है, करेक्टली जो है मैच है, यानी कहना चाहिए सभी के सभी पर्यावरण संबंधित व्यक्ति हैं। आपको प्रश्न पूछा है व्यक्ति नहीं है पूछा है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, समझ रहे हैं। तो ये सभी का नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हीं को फिल्टर करते हुए ये प्रश्न बनाया गया है आप लोगों के लिए। उसके बाद देखिए, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के अनुसार अपशिष्ट एवं डिब्बे के रंग का सही समायोजन है, ठीक है।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ठीक है, मतलब जो भी जो वेस्ट होता है और उसका जो बॉक्स होता है कलेक्टिंग बॉक्स उसका मैचिंग है। देखिए, सूखा कचरा नीला डिब्बा, गीला कचरा हरा डिब्बा, खतरनाक कचरा या ई वेस्ट जो है वो है लाल डिब्बा, और डी ऑप्शन है ए बी सी सही है। ये प्रश्न अपेक्षाकृत सरल कहा जाना चाहिए क्योंकि दिन प्रतिदिन आपके आसपास देखते हैं कलेक्शन सेंटर होता है, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन होता है, तो यह जो है अलग अलग रंगों के बॉक्स में आपको यह कचरा कलेक्शन करते हुए दिख जाएंगे। दूसरा, सार्वजनिक स्थल में इन कचरा कलेक्शन का जो बॉक्स होता है वह भी रखा होता है, ठीक है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो वे बॉक्स के नंबर्स और बढ़ जाते हैं, कलर भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपका क्या है, सूखा कचरा बिल्कुल ब्लू बॉक्स में ही कलेक्ट किया जाता है, गीला कचरा हरा डिब्बा में ही कलेक्ट किया जाता है, और खतरनाक कचरा लाल डिब्बा में ही किया जाता है। ए बी सी तीनों सही हैं। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के बारे में सही कथन है क्या है। पहला स्टेटमेंट है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री आदर्श कुमार गोयल जी हैं, और NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। क्या इसका सही आंसर, देखिए 1 2 1 3 2 3 1 2 3, क्या इसका सही आंसर दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर है 1 2 3, इसलिए तीनों स्टेटमेंट को आपके लिए रखा गया है। NGT की स्थापना वर्ष 2010 में ही हुई थी, आदर्श कुमार गोयल जी इनके जो हैं अध्यक्ष हैं, और इसे सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल चुनौती दी जा सकती है। क्लियर हो गया। इनमें से कौन प्राथमिक प्रदूषक है, वापस से स्टार्टिंग में हमने देखा था प्राथमिक और सेकेंडरी, तो देखिए क्या है, धूम कोहरा तो ये सेकेंडरी है, स्मग इक्वल टू स्मोक प्लस फॉग मैंने बताया था। उसके बाद देखिए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली दिस इज द राइट आंसर, जो क्या है प्राइमरी पोल्यूटेंट है, प्राथमिक प्रदूषक है। और सल्फर ट्राइऑक्साइड ये देखिए ये भी क्या है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और PN यानी कि पेरोक्सी एसीटाइल नाइट्रेट, ये भी क्या है आपका सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। एंड कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, दैट इज रिलेटेड विद एसी ड्रेन, अम्ल वर्षा में कौन सा यौगिक नहीं बनता, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए H2SO4, ऑप्शन बी HNO3, ऑप्शन सी H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल कार्बनिक एसिड, और ऑप्शन डी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है डी HCl नहीं बनता, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बनता। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड भी बनता है, HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड भी बनता है, और H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड भी बनता है। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर। और आपको बता दूं, एसी ड्रेन में जो एसी ड्रेन का जो पीएच होता है यानी कि पीएच मान पीएच वैल्यू जो होता है वो कितना होता है 5.6, आपको पता है पीएच स्केल, पीएच स्केल में अगर आप देखते हैं तो वो क्या है आपका 7, ये 7 है, ये 14 है और ये 0 है। अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन या सांद्रता 7 ही है तो वो उदासीन होगा, 7 से नीचे है तो अम्लीय होगा, और 7 से ऊपर है वो क्या है वो क्षारीय होगा। तो यहाँ पे क्या है 5.6 यानी कि यह एसिडिक नेचर का है। कौन, हु डिस्कवर पीएच स्केल, सोरेनसन ने पीएच स्केल का इजाद किया था। आई होप ये सभी प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, आप समझ गए होंगे। ये दोस्तों एग्ज़ाम के लिहाज से अच्छे क्वेश्चन थे जो हमने आपसे शेयर किया। किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार का अगर डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए, हम डेफिनेटली आपके क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कंपटीशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।